छोरा शहर की गोरी, she's so hot, she's fun and a million, महा लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है तेजी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली, रघु ना जाने कहाँ छुप गया, दिखाई ना दे रहा। दादी जी नमस्ते। नमस्ते जीडी जी, मैं आप ही की तरफ आ रही थी पार्टी का न्योता देने। पार्टी? पार्टी यानी जश्न। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा रिवाज है कि शादी से पहले हम नहीं मिल सकते? बस एक दिन हुआ और ऑलरेडी मैं रघु को इतना मिस कर रही हूँ। रंगीला बस एक झलक काफी है। हो गई इच्छा पूरी। चलो 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 रघु के पास चलो। हाँ, चलो रघु के पास फौरन फौरन जाओ, शुभ है। नहीं नहीं रहने दो मिम्मी। ऐसा हो सकता है? हाँ सच छोटू। हाँ चलो चलो चलो, बाय 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 बाय, थैंक यू काला। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस, मैं फाइनली रघु को देख पाऊंगी। पर छोटू, अगर मैं रघु को देख सकती हूँ तो मिल क्यों नहीं सकती? पर मेमनी, हमें एक बात की चिंता हो रही है, अगर दादिया ने तुम दोनों को एक साथ देख लिया तो? पागल हो गए हो, दादी इस वक्त सो रही होगी। एक हफ्ता तुम्हारे घर रहकर आई हूँ, दादी की सारी रूटीन जानती हूँ। वो बैठे बैठे खर खर कर रही होगी। इस वक्त रघु के खेत में आएगी? इम्पॉसिबल। शहर से कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, सोचा कि आपको और जानकी जी को भी उनसे मिलवा लें। अगर शहर में शादी का मतलब है शानदार जश्न तो जरूर आएंगे। अरे कहाँ रह गई मेमनी, छोटू अभी तक लेके काहे नहीं आया उसे? शहरियों को जितना बुरा मानते थे हम, उतने बुरे नहीं है आप लोग। अब छोरी आन्या को ही लो, आजकल तो हमारी सारी बातें मानती है, शिकायत का कोनो मौका ही नहीं देती। रघु तो ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।
छोरी यहाँ क्या कर रही है तू? दादी हमारे बच्चों के खेत में क्या कर रही है तू? वो मैं पालक बच्चों से मिलने तो ना आई थी ना? नहीं नहीं दादी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? Finally. Hey, dude. Welcome, guys. Yeah. Welcome, guys. How you doing? Kishan, darling. हमने तो तुम्हारा इनवाइट मिलते ही डिसाइड कर लिया था कि हम तुम्हारा ये नया वीकेंड होम देखने जरूर जाएंगी। That is all mine, ladies. No doubt. Pleasure लेने के लिए तो हम आए हैं यहाँ पर। और ऐसा असली गांव देखने का थ्रिल रोज रोज कहाँ मिलता है? Hi, sweet dude. Look at my baby. Just look at. क्या हालत हो गई इस बिचारी की इस गांव में पहुंचते पहुंचते? ऐसा लगता है हिमालयन कार रैली से लौट रही हो। डूड प्लीज किसी सर्वेंट को बोल के इसे क्लीन अप करवा दो प्लीज। हाँ हाँ। पर यहाँ पर तुम्हारे म्यूजियम में आई मीन तुम्हारे मैंशन में कोई नौकर नहीं दिख रहा है। अंदर होंगे, चल कम कम गाइस कम लेट्स गो वेलकम। एंड डूड वी आर फीलिंग वेरी हंग्री, नीड टू ईट। Hey, beautiful. Chaitanya, I can't believe it. Darling, it's true. अच्छा तुम बताओ, तुम मुंबई वापस नहीं आ रही हो? यहाँ आ नहीं सकती। इतने टाइम से यहाँ पर जो हो, यहाँ रहकर के मुंबई की कहाँ याद आती होगी? I know, यहाँ रहने की आदत जो हो गई है। I swear. अरे तुमको भी आदत लग जाएगी, देवी नदी के तीर है ही कुछ ऐसा। आओ आओ अंदर चलते। कहा था ना सगाई के बाद और शादी से पहले लड़का लड़की आपस में नहीं मिलते, अब शगुन होता है। कहा चाहती है तू तेरी वजह से फिर से हमार बछुआ मुसीबत में पड़ जाए? फिर से मतलब? जब जब हमार बछुआ के आसपास रहती है ना तू, तो हमार बछुआ का बुरा ही होता है। दादिया? दादी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दादी मैं रघु का बुरा क्यों चाहूंगी? मैं भी तो रघु की उतनी केयर करती हूँ जितनी आप और जानकी अम्मा। देख छोरी, हम तो हर दिल ना दुखाना चाहते हैं, पर तू ही सोच, जब तू गांव में आई थी तो का हुआ था हमार बछुआ के गन्ने की फसल को, याद है? चोर सारी फसल उठा के ले गए। हाँ, और इससे पहले ऐसा कभी ना हुआ था। और जब तू बछुआ के संग खेत में हाथ बटा रही थी तब का हुआ था? तब कुछ चोर बदमाश खेत में नमक डाल के उसे बेकार बेकार ना बंजर बंजर बनाना चाहते थे वो, और ये भी इससे पहले कभी ना हुआ था। मतलब दादी मैं रघु के लिए इतनी बुरी हूँ, हमेशा मैं उसे परेशानी में डालती हूँ। अभी भी हमारी जुबान से कहलाएगी का तू? जब से तू हमार बछुआ की जिंदगी में आई है, हमार बछुआ दो बार हवालात में जा चुका है। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ? हाँ, मानते हैं कि छुड़वाया भी तू नहीं था, पर जब पहले से भाग खोटे हो तो जानबूझ के मुसीबत मोल काहे लेनी? देख छोरी, आज हमसे वादा कर कि इन 7 दिनों में तो हमारे बच्चों से कभी ना मिलेगी। ठीक है दादी, मैं रघु की भलाई के लिए उससे नहीं मिलूंगी, पर सिर्फ 7 दिन तक। हाँ
ठीक है अब जा। डियर मेरे लिए ब्लैक टी, मेरे लिए भी। यहाँ पर दूध स्कीम नहीं होगा ना? तो फिर तुम्हें शुगर भी नहीं लगेगी, ये कैलोरी फ्री जो नहीं है। वाओ, आई लाइक इट, व्हाट अ प्लेस, रहने के लिए जगह। या एटलीस्ट गरीब गांव वालों की झोपड़ियों से तो बेटर है। कूल भी। इसलिए तो मैं शादी के बाद यही रहने वाली हूँ इस हवेली में, और मैंने भोला को भी बता दिया है। भोला तुम्हारा सर्वेंट है? नहीं, ईशा का फियांसे। नाम तो बिल्कुल सर्वेंट वाला है। नाम बिल्कुल परफेक्ट है। ईशा को हस्बैंड के लिए सर्वेंट की जरूरत है। हे, लुक हू इज हियर। शादी कर रही हो वो भी इस गांव में। How exciting. How enchanting. Thank you. इस बार भी शादी तोड़कर भाग मत जाना। प्यार करें आप आन्या जी से? हाँ, वो भी तो बहुत चाहती है हमें। आज दादिया ने जो कुछ भी कहा, बेचारी ने सर झुका के सब कुछ मान लिया। आप भी तो उनकी खुशी की खातिर उनके लिए ई पलंग बना रहे हैं। अरे हम तो केवल उसकी सुख सुविधा के साधन जुटा रहे हैं, लेकिन वो बेचारी हमारे लिए जो कर रही है वो के मुकाबले ये सब तो कुछ भी ना है। तो लकड़ी कम पड़ गई, तो चलिए जंगल जाके अभी ले आए। यही करना पड़ेगा, चलो। अरे आन्या और ईशा सच में गांव वाले से शादी कर रही है? डोंट टेल मी कि तुम वो क्या है ना, गांव की औरतों की तरह से सर पे मटका रख कर ऐसे। ऐसे चलने वाली हो? नहीं नहीं, या हाथ में मटका पकड़ के चलने वाली हो? और तुम दोनों शादी के बाद खाना खिलाते समय अपने देसी हस्बैंड को फैन भी करोगी क्या? नो नो, नॉट एट ऑल। अरे मेरा भोला तो बहुत स्मार्ट है, और देखना मैं अपने भोला को सिटी डूड में यू कन्वर्ट करती हूँ। अरे वो ईशा श्रॉफ के साथ शादी करने वाला है, तो वो भी तो श्रॉफ कहलाएगा, और उसमें श्रॉफ वाली बात भी तो होनी चाहिए, है ना? और आन्या तुम्हारा गांव वाला क्या उसमें श्रॉफ वाली बात है?
रघु जैसा है किसी भी सिटी लड़के से अच्छा है, उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके नाम को बदलने की जरूरत है डार्लिंग। थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। एक्चुअली रघु उसका पेट नेम है। तो फिर उसका रियल नेम क्या है? राघव चतुर्भुज। लगता है किसी चैरिटी ट्रस्ट का नाम है। रघु की बहुत सारी जमीनें हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं और उसके फार्म्स पे गांव के किसान काम करते हैं। गांव के किसान? नहीं जीरी, रघु खुद एक किसान है और उसके पास बड़े बड़े फार्म्स नहीं, सिर्फ एक खेत है जहां वो मेहनत से खेती करता है। How cool is that? अब किशन, तुम अपने सन-इन-लॉ से खुद गार्डनिंग टेस्ट ले सकते हो। नहीं नहीं, एक्चुअली केशव डियर को अब गार्डनर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रघु, आप लोगों की तरह टाइम बिताने के लिए फूल पत्ती नहीं गेहूं उगाता है, जिससे आप लोगों को खाने के लिए मिलता है। अच्छा बेबी, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ। और मैं भी। हम डाइटिंग पर है। वो जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाती है डाइटिंग के लिए, वो भी रघु के खेत से आते हैं। इनफैक्ट वाइन के लिए ग्रेप्स भी रघु के खेत से आते हैं। रघु जैसा किसान धूप में सर्दी में हल चलाता है। जो आप लोगों की तरह एसी में बैठकर बॉन्साई बनाने से बहुत मुश्किल है, समझी आप? रिलैक्स आनिया, ये लोग तो सिर्फ पूछ रहे हैं। ये लोग तुम्हारी तरह गांव को, गांव वालों को तो नहीं जानते ना? जीरी, अगर जानने का इतना शौक है तो गांव का चक्कर लगा ले। Actually, that's a great idea. मुझे भी गाड़ी चलाने का मौका मिल जाएगा। हाँ, और मुझे गांव की गोरियों को देखने का। Come on, come on, come on, guys, get ready. Come on, come on, let's go. What are we waiting? बड़ी जंगली, मरने के लिए यही कार मिली है क्या? जयराम जी की। केशव, उस जंगली ने तुमको हेलो कहा? कौन था? क्या तुम इसे जानते हो? कितने गंदे लोग हैं, कितना स्वेटी, यक्स। गांव वाले हैं, मजदूर हैं, गाड़ी देखी तो आ गए। अरे लगता है सुना नहीं उन लोगों ने। चलो हम तो काम पे चले। गवारों की तरह आने वाली हो? कहाँ? अरे पार्टी में, और कहाँ? प्लीज, ये पार्टी नहीं है, जानबूझ के हमें नीचा दिखाने की कोशिश है। ओह कम ऑन स्वीटी, वो लोग आज ही तो मुंबई से आए हैं, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। याद है हम लोग कैसे थे जब हम यहाँ आए थे? पर मॉम, उन्हें क्या जरूरत थी बुलाने की? आपने देखा ना, वो हम पे इतना कमेंट कर रहे थे। तो आप सोचिए, जब वो रघु और भोला को मिलेंगे, उनकी फैमिली को देखकर कितना हंसेंगे। जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं आनिया। मैं खुद ध्यान रखूंगी कि जानकी और दादी को पार्टी में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या जानकी और दादी भी पार्टी में आ रही है?
स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बीच मॉम दादी को ये पार्टी कभी पसंद नहीं आएगी। जानकी अम्मा को कितनी तकलीफ होगी। आन्या नहीं नहीं मैं ये पार्टी में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका ध्यान रखने के लिए मुझे पार्टी में जाना ही पड़ेगा। जब लव हुआ।